नमस्कार दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, RSI STD 1424 काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे काफ़ी फ्रेंड्स थे जो काफ़ी पूछ रहे थे कि BPSC के बारे में बताइए कि कट ऑफ कितनी जाएगी, रिजल्ट कब तक आएगा दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी दोस्तों, उसका रिजल्ट कब तक आएगा, मेंस की तैयारी कैसे करें और स्टडी फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, डोंट स्किप दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा आप लोग दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिए, काफ़ी यूज़फुल होगा क्योंकि आपकी जितने क्वेरीज होंगे सब कवर हो जाएंगे इससे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिस नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेंगे दोस्तों। इससे रिलेटेड BPSC से रिलेटेड जितने भी BPSC 2020 के भी आ गए नोटिफिकेशन 66 के दोस्तों, तो उसको भी हम डिस्कस करें फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें फ्रेंड्स। 65 जी BPSC प्रीलिम्स कट ऑफ कितनी जाएगी फ्रेंड्स, तीन क्या किया दोस्तों, 10 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। तो 10 क्वेश्चन को डिलीट किया दोस्तों, अब इससे कट ऑफ पे कितना असर पड़ेगा फ्रेंड्स, कट ऑफ कितना दोस्तों। तो इसमें हम दो चीज़ को फैक्टर्स कवर करेंगे, एक तो दोस्तों 10 क्वेश्चन जो हमारा डिलीट हुआ है, देन अभी जो री एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, री एग्ज़ाम हुआ है 7 फेब को, जो डिसेबल्स थे उन लोगों का दोबारा फॉर्म फिल किए थे, तो जो लोग जिन लोगों का फोटो एरर और प्रॉब्लम सिग्नेचर एरर हुई थी, तो वो लोग दोबारा एग्ज़ाम्स दें दोस्तों, तो उन लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसके आधार पर अब कट ऑफ कितनी जाएगी दोस्तों। देखिए, पहले जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी दोस्तों 96 to 98 तक थी फ्रेंड्स, लेकिन अब क्या है, सपोज देखिए इसमें कन्फ्यूजन कैसे है, अगर जिन 10 क्वेश्चन अगर डिलीट हुआ है तो लॉस, किसको लॉस होगा किसको बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। तो देखिए, सपोज दैट अगर किसी का 96 बन रहा है, कट ऑफ 96 का ही है, अगर 10 क्वेश्चन डिलीट हुआ, अगर उसमें से उसके 10 क्वेश्चन जो डिलीट हुए दोस्तों, अगर वो डिलीट कर दिया तो इनके मार्क्स कितने चलेंगे, सीधे इनके घट करके 86 हो जाएगा, तो वो तो बाहर हो गया। सपोज कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे दोस्तों जिनका 90 बन रहा होगा, लेकिन हो सकता है उनके 6 क्वेश्चन जो डिलीट हुए उसमें से सही हो जाए, तो अब तो उनको फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों, अब 140 क्वेश्चन पे, ना कि 196 पे, सॉरी 150 पे। तो इस लेफ्ट जो कट ऑफ बहुत नीचे जाने का चांस है, तो इसलिए जिन लोगों का 90 बन रहा था उन लोगों के भी होने के चांस है, जिन लोगों का 86 भी बन रहा था, मैं भी बोल रहा हूँ दोस्तों, जिन लोगों का 86 ऑफिशियल आंसर किसे बन रहा था उन लोगों के भी होने के चांस है, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन डिलीट हुआ हो जो इन लोगों के गलत हो, अगर जिसके गलत क्वेश्चन डिलीट हुए होंगे तो उससे बेनिफिट होगा उन लोगों को, और जिनके मार्क्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं 96, 97 या 98, अगर उन लोगों के गलत हो गए, उन लोगों के डिलीट हो गए क्वेश्चन सही वाले, तो उन लोगों को फिर दिक्कत आएगा। तो ये गलत होता है, क्योंकि आयोग को इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जिन बच्चों के जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे होते हैं, खासकर कई बार 100+, लास्ट टाइम कुछ लोग 102, 103 मार्क्स वाले भी बाहर हो गए थे, क्योंकि लास्ट टाइम भी बॉर्डर लाइन पे होते हैं, वो लोग बाहर हो जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन स्टेट एग्ज़ाम्स में ही होते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, अब इस कट ऑफ को तो कजा नहीं लगा सकते, एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन हाँ, अब देखिए जिन लोगों के 90 उन लोगों के भी हो सकते हैं, जिन लोगों के 86 है उन लोगों के भी हो सकते हैं, जिन लोगों के 100 है उनका ना भी हो, ये भी चांस हो सकता है। इसलिए हम ये कहेंगे फ्रेंड्स कि आप लोग मेंस में लग जाएं, अगर होगा तो भी ठीक है, नहीं तो फिर PT का नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम है, लोगों को PT पढ़ना होगा, तो इसलिए आप वेट रिजल्ट का ना करें, अगर हो जाता है तो, क्योंकि अगर हो भी जाएगा दोस्तों आप लोग टाइम बहुत कम मिलेगा। अब हर स्टेट एग्जाम्स में अब ये हो गया दोस्तों कि अभी रेगुलर कर दिया UPSC की तरह, ये अच्छा मूव है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अच्छा मूव है ये, जैसे UPSC करता, पहले क्या होता था दोस्तों PT एक साल पे PT होता था, फिर उसके 2 साल बाद मेंस होता था, तो ये चीज़ सही है दोस्तों। तो अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस कर दे दोस्तों, मेरे चैनल, थैंक यू।